जब भी बात आती है ईएमआई पर कोई सामान परचेस करने की तो पहले नंबर पर नाम आता है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से आप कोई भी सामान ऑनलाइन या ऑफलाइन किस्तों पर ले सकते हैं। इसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है, यानी कोई प्रोडक्ट जितने अमाउंट का है किस्तों पर भी आपको उतना ही अमाउंट पे करना होता है। जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल फोन परचेस करते हैं जिसका प्राइस है 15,000 रुपीज, तो ईएमआई पर भी आपको 15,000 रुपीज ही पे करने होंगे। आपको अलग से कोई और चार्ज नहीं देना होगा। वैसे तो आप क्रेडिट कार्ड और कुछ बैंकों के डेबिट कार्ड से भी ईएमआई पर सामान ले सकते हैं, लेकिन बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को स्पेशली ईएमआई पर सामान लेने के लिए ही बनाया गया है। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड लेने का प्रोसेस काफी सिंपल है। आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अपने मोबाइल फोन से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको 2022 में बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का और एक्टिवेट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार्ड में आपको 2,00,000 रुपए तक की लिमिट्स मिलती है। 100% डिजिटल प्रोसेस है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की या डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। 30 सेकेंड्स अप्रूवल टाइम है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। ईएमआई कार्ड इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। 1 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप ईएमआई पर ले सकते हैं। 24 महीनों तक की ईएमआई आप इस कार्ड पर ले सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आप इस कार्ड से ईएमआई पर ले सकते हैं, जैसे कि एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, फ्रिज, एसी, फैशन, फर्नीचर, माइक्रोवेव, सोफास एक्सेट्रा। अगर फीस की बात करें तो इस कार्ड के लिए आपको 449 रुपीज प्लस 81 रुपीज जीएसटी टोटल 530 रुपीज पे करने होंगे। एनुअल फीस 117 रुपीज है, लेकिन अगर आप साल में इससे एक ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं तो ये फीस आपको नहीं देनी होगी। तो टोटल ये कार्ड लेने के लिए आपको 530 रुपीज पे करने होंगे। कार्ड अप्लाई करने के लिए इसमें आप एक मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां डालकर सबमिट करेंगे। इसमें आपको अपना फुल नेम डालना है जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहां पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे इस कैलेंडर से। इसके बाद यहां पर अपना पिन कोड डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करेंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आपको सैलरी मिलती है वो आप यहां से चूज कर लेंगे। इसमें यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हुए तो आपके सामने आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कार्ड अप्रूव हो चुका है। और यहाँ पर आप अपनी लिमिट्स देख सकते हैं, जैसे कि जिसके लिए मैंने ये कार्ड अप्लाई किया है उनको 1,25,000 रुपए की लिमिट मिली है, यानी वो इस कार्ड से 1,25,000 रुपए तक के सामान ईएमआई पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। आपको केवाईसी करनी होगी। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपके कार्ड की टोटल लिमिट्स कितनी है। इस ईएमआई कार्ड को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। बजाज के जो 1,00,000 से ज्यादा पार्टनर स्टोर्स है वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व ऑनलाइन स्टोर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जितने भी ई कॉमर्स पार्टनर्स हैं वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जगहों पर आप इस ईएमआई कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको 530 रुपीज का पेमेंट करना होगा। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर, जहां आप यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा, एचडीएफसी बैंक। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद अपना ईएमआई कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको ई मैंडेट सेट करना होगा। ई मैंडेट का मतलब है कि जब भी आप इस कार्ड से ईएमआई पर कोई सामान लेंगे तो जो भी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट होती रहेगी। तो ई मैंडेट सेट करके आप अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे। आपको ई मैंडेट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपको अपना नेम डालना है जैसा बैंक में
में लिखा हुआ है, IFSC कोड डालना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद अकाउंट टाइप चूज करेंगे, सेविंग्स है या करंट। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन मोड चूज करेंगे, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग चूज कर लेंगे, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं नेट बैंकिंग चूज कर लेता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। वेरीफाई आप किस तरह से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, वो आप यहाँ चूज करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट कर दिया गया है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। आप यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद आप अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंफर्म करेंगे, और अगर आपने डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज किया है तो आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालकर सबमिट करेंगे। आपका ये मैंडेट सक्सेस हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बाद आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, आपका EMI कार्ड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। ई मैंडेट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके बैंक से पैसे कट नहीं करेंगे, बल्कि आप इस कार्ड के थ्रू जितने भी सामान परचेज करेंगे उसकी जो EMI होगी वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट होगी। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप कोई ऐसा बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं जिसमें आप बैलेंस ना रखते हो। इसके लिए आप फाइव मनी, जुपिटर या कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और जब भी आप कोई सामान परचेज करें तो जितनी EMI है उतना ही बैलेंस आप उस अकाउंट में ऐड कर दीजिए, तो वो उससे कट होता रहेगा। इसके बाद अपना EMI कार्ड मैनेज करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ डालकर सबमिट करेंगे। वेरीफाई करने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड नंबर डालकर सबमिट करेंगे। सक्सेसफुली इस ऐप में आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से आप अपना EMI कार्ड देख सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अपना EMI कार्ड देखने के लिए आप इसको स्वाइप करेंगे तो यहाँ आपको EMI कार्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका EMI कार्ड आ जाएगा। ऑथेंटिकेट करने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे और लिंक EMI कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपने EMI कार्ड की डिटेल्स देख सकते हैं। अपने EMI कार्ड से आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो आप यहाँ ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करके देख सकते हैं। पार्टनर स्टोर्स आप पार्टनर पर क्लिक करके देख सकते हैं, और आपके EMI कार्ड पर अगर कोई ऑफर्स हैं तो वो आप यहाँ ऑफर्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह से EMI कार्ड पर आपको ढेर सारे ऑफर्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। इसके बाद जब भी आपको EMI पर कोई सामान परचेज करना हो, चाहे आप ऑनलाइन परचेज करें या ऑफलाइन, आपको अपना EMI कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना होगा, और एक OTP आएगा, वो OTP डालकर आप EMI पर परचेज कर सकते हैं। आपकी जो भी EMI बनेगी वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी, जिस बैंक अकाउंट में आपने ई मैंडेट रजिस्टर किया है। सो इस तरह से 2022 में आप बजाज EMI कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।